कुनू नेशनल पार्क से एक बार फिर से मादा चीता आशा बाहर चली गई है, जिसके बाद चार सदस्यों की ट्रैकिंग टीम उसे तलाशने में जुट गई। लेकिन शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे के आसपास जब ट्रैकिंग टीम आशा चीता को तलाश रही थी, तभी ग्रामीणों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने डकैत समझकर उन पर फायरिंग कर दी और उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना में करीब 4 कर्मचारी घायल हो गए। ट्रैकिंग टीम पर हमला करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ट्रैकिंग टीम हमारी पूरे जो भी चीते बाहर में छोड़े हैं पूरे समय 24/7 सभी चीतों के साथ में चल रही है। ऐसी ही टीम हमारी कल भी थी और चीता से करीब 200-300 मीटर जहाँ पर रोड तक गाड़ी पहुँचती है ऐसी जगह पर यदि चीता बैठ जाता है रात में तो वो भी टीम वहाँ पर रुकती है। ऐसे ही कल पोहरी के पास एक गांव में टीम हमारी उसके पास में थी और गांव वालों ने सुबह में हमारी टीम के ऊपर लोगों के ऊपर हमला कर दिया, गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी है, जिसकी कि हम अभी FIR दर्ज करा रहे हैं। और उन्होंने टीम वालों ने बताया भी कि हम लोग वन विभाग के हैं, उसके बावजूद भी गाँव वालों ने किया है, तो इसकी हम पुलिस में कंप्लेंट की है और उसको FIR दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल ट्रैकिंग टीम मादा चीता के गले में लगे GPS के सहारे उसे ट्रैक कर रही थी। गुरुवार रात को टीम ने गांव के 2-3 चक्कर लगाए तो ग्रामीणों को उनके डकैत होने का शक हुआ। टीम के सदस्यों ने डांगरी भी पहना हुआ था, डकैत भी अक्सर डांगरी पहनते हैं, शायद इसीलिए ग्रामीणों को गलतफहमी हो गई थी। आपको बता दें कि कुनू नेशनल पार्क से चीतों के बाहर निकलने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा पिछले 2 महीनों में 6 चीतों और शावकों की मौत की वजह से भी यह सुर्खियों में रहा है। श्योपुर से खेमराज दुबे की रिपोर्ट MP तक।